ऑक्सीजन का एक सोर्स है, फ्रेश वाटर बॉडी है, और इसकी जो डेप्थ है, यहाँ पे जो इकोसिस्टम है वो वेरी करती है। हर झील जो है वो वेरी करती है किसमें, गहराई के लिहाज से, साइज के लिहाज से, प्लस न्यूट्रिएंट्स के लिहाज से। कोई भी इकोसिस्टम है उसके अंदर किस किस्म की लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, उसमें लिविंग कंपोनेंट्स कौन से हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कौन से हैं, और फिर बात वो है कि उसमें न्यूट्रिएंट्स किस किस्म के अवेलेबल हैं, किस तरह का फूड प्रोडक्शन हो रहा है, वो हर लेयर के अंदर क्या करता है, वेरी करता है। ठीक है, इस लेक के अंदर जो है डिफरेंट लाइफ जोन्स होती हैं, क्योंकि इसकी डेप्थ वेरी करती है। जो शैलो एरियाज होते हैं उसमें अलग किस्म की लाइफ पाई जाएगी, या उसमें ज्यादा लाइफ होगी, जो उससे थोड़ा जिसकी डेप्थ ज्यादा है उसमें अलग किस्म की लाइफ होगी, और फिर जो उससे गहराई वाला इलाका है उसमें अलग किस्म की लाइफ होगी, जो सबसे गहरा है उसमें बिल्कुल अलग किस्म की लाइफ होगी। और ये जो लाइफ जोन्स हैं ये फिर डिपेंड करते, चूंकि लाइफ है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहीं पे एग्जिस्ट कर, लाइफ कहीं पे एग्जिस्ट कर रही है, तो फिर वहां पे लाइट प्लस न्यूट्रिएंट्स प्लस एंकरेज के उसने किस जगह, एंकरेज कहते हैं साइट ऑफ अटैचमेंट को, किसी जगह पे किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का चिपका रहना, किसी जो जो उसका मस्कल है वो जिस जगह पे ठहरता है उसे हम एंकरेज कहते हैं। ठीक है, अब इस इन चीजों पे लाइट न्यूट्रिएंट्स और एंकरेज की मुनासबत से लेक जो एनवायरमेंट है, इकोसिस्टम है, उसमें तीन मेजर जोन्स आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आती है लिटोरल जोन, नियर साहिल के करीब, नियर शोर, साहिल के करीब यानी किनारे के साथ। ठीक है, ये चूंकि यहाँ पे शैलो वाटर होता है, कम गहराई वाला इलाका होता है, कहीं आपको झील देखने का मौका मिले ज्यादा नहीं तो बंजोसा कहीं जाए, तो साइडों में आप देखिए वहां पे पौधे भी नजर आते हैं, वहां पे पत्थर भी नजर आते हैं, वहां पे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी नजर आएंगे, मेंढक वगैरह कोई भी चीज है वो आपको नजर आएगी। तो ये वो जो साइड क्रीप, जहां से हम कश्ती में बैठते हैं ना, वहां से जो क्रीप एरिया है उसको बोलते हैं क्या, नियर शोर या लिटोरल जोन। इसमें शैलो वाटर होता है, कम गहरा पानी होता है, फिर न्यूट्रिएंट्स इसमें क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे प्रोड्यूसर खुद भी मौजूद होते हैं, यानी कि प्लांट्स, वहां पे लाइट भी अब्सॉर्ब हो रही होती है अच्छी खासी, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी ज्यादा होती है, तो वहां पे कार्बोहाइड्रेट्स या फूड की प्रोडक्शन भी ज्यादा होती है। पौधे जो इस करीब यानी इस शोर के करीब जो हमें नजर आते हैं वो वाटर लिलीज ज्यादातर होते हैं। ठीक है, पूरे के पूरे वाटर के अंदर क्या होते हैं, सबमर्ज्ड यानी के डूबे हुए होते हैं। ठीक, प्लैंकटन पानी के अंदर जितने भी, यानी जो प्लांट्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सपोर्ट करते हैं जो लाइफ को, वो सारे हमारे पास प्लैंकटन कहलाएंगे। अब इसमें दो चीजें आ जाती हैं, एक फाइटोप्लैंकटन है, दूसरा जूप्लैंकटन है। फाइटोप्लैंकटन वो जो ड्रिफ्टिंग प्लांट्स हैं उस वाटर बॉडी के अंदर, उस लेक के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे फाइटो ही प्लांट, और जूप्लैंकटन जितने भी किंगडम एनिमेलिया से तल्लुक रखने वाली चीजें हैं, या एनिमल्स एनिमल्स लाइक जितने भी स्पीशीज हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, जूप्लैंकटन कहलाते हैं। ठीक है, इनकी मुख्तलिफ फैमिलीज हो सकती हैं, मुख्तलिफ स्पीशीज हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक, फिर तीसरा जो सेक्टर है, इसमें एनिमल्स की डाइवर्सिटी क्या होती है, ज्यादा होती है इस मखसूस एरिया के अंदर, यानी शोर के करीब एनिमल्स की डाइवर्सिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो पहले भी मैंने आपको बताया है यहाँ पे मछली के बच्चे भी नजर आएंगे, मछली भी नजर आएगी, फ्रॉग भी नजर आएगा, स्नेल्स भी नजर आएंगी, एक्वाटिक स्नेल्स भी हो सकते हैं, और भी तरह की मुख्तलिफ चीजें जो है वो एरिया टू एरिया वेरी करती है। फिर क्या होता है कि इसकी जो जो डेप्थ की बात है, तो डेप्थ के लिहाज से लाइफ क्या करती है, वेरी करती है। ठीक है, मतलब सारे के करीब ज्यादा जिंदगी होगी, ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे और डाइवर्सिटी होगी, ज्यादा होंगे, जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी हमारे पास डाइवर्सिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी नहीं है कि वो ग्रेटर डेप्थ पे सर्वाइव कर सके। नेक्स्ट हमारे पास जो है इस डेप्थ के लिहाज से इसको फिर दो जोन्स में तकसीम किया गया है, किसको, लेक फ्रेश वाटर लेक इकोसिस्टम को। सबसे पहला आता है लिमनेटिक जोन जो अपर होता है, ठीक है, दूसरा लोअर जोन है जो प्रोफंडल जोन है। अपर जो जोन है या लिमनेटिक जो जोन है इसमें लाइट ज्यादा होती है क्योंकि कम गर्म है,
फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी और फिर न्यूट्रिएंट्स भी ज्यादा होंगे, ठीक है। इसमें जो प्रोड्यूसर्स होते हैं या इकोसिस्टम को सपोर्ट करने वाले मेजर जो मतलब कंपोनेंट्स हैं, ऑर्गेनिज्म जो साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्जी वगैरह है, ये यहाँ पे प्रोड्यूसर्स के तौर पर काम करते हैं, बाकी सारी लाइफ इनके ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा हमारे पास आते हैं क्या, फिशेस, प्रोटोजोन्स, ये सारे हमारे पास क्या है, कंज्यूमर्स हैं। ये जो इस यहाँ से फूड बनता है जो इसको भी कंज्यूम करते हैं, खुद इनको भी कंज्यूम कर लेते हैं। तो जो प्रोड्यूसर के बनाए हुए प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करते हैं वो क्या होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है, अगर हम लोअर जोन को देखें, प्रोफंडम जोन को देखें, तो यहाँ पे इसकी निस्बत लाइट इनसफिशिएंट होती है, सनलाइट, ठीक है, यहाँ पे लाइट क्या होती है, ज्यादा होती है। जब एक दूसरे की कंपैरिजन में हम इनको स्टडी करेंगे तो ये हमारे पास कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और हमें चीज तैयार भी हो जाएगी, ठीक है। इसमें कम लाइट होती है और इसके जो कंज्यूमर्स होते हैं, चूंकि लाइट कम होती है तो जितना प्रोड्यूसर्स यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं या न्यूट्रिएंट्स कितने यहाँ पे होंगे, इसका मतलब है यहाँ पे नहीं होते, मतलब ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो इसके जो कंज्यूमर्स हैं वो डेट्रिटस मतलब फीडर्स को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो डेट्रिटस वैसे क्या होते हैं, बाकियात जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, मतलब जो प्रोडक्शन है उसके जो बाकियात होते हैं। तो कुछ ऐसे हमारे पास कंज्यूमर्स होते हैं इकोसिस्टम के अंदर जो उन मतलब डेट्रिटस के ऊपर क्या करते हैं, फीड करते हैं, उनको अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास स्नेल्स हैं, इंसेक्ट्स, लार्वे हैं, मतलब मुख्तलिफ इंसेक्ट्स हैं, उनके वो जब लार्वल स्टेज पे होते हैं तो वो उन्हीं को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। कुछ बैक्टीरियाज या इस तरह से फंजाई हैं, ठीक है, डिकम्पोजर्स भी कहलाते हैं ये। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरवेंशन ऑफ मैन, आदमी की मदाखलत, ठीक है। कोई भी इकोसिस्टम है उसमें ह्यूमन इंपैक्ट जो है वो क्या होता है, मतलब उसका ज्यादा रोल रहा है, ठीक है। ह्यूमन का इंपैक्ट हर इकोसिस्टम के ऊपर होता है, तो एक्वाटिक इकोसिस्टम को ह्यूमन जो है वो मतलब कैसे मतलब मदाखलत उसमें कर रहा है, जिस तरह टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ब्राह रास्त हमारी मदाखलत है क्योंकि हम खुद भी इसका हिस्सा है, तो उस तरह से एक्वाटिक इकोसिस्टम में नहीं है लेकिन फिर भी मतलब डायरेक्ट हमारे जो है वो इसमें इंपैक्ट जो है वो हमारा होता है। सबसे पहला आता है यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन क्या है, जितने भी घरों के अंदर से सीवेज का पानी जाता है या केमिकल्स जितने इंडस्ट्रीज में से बह के आते हैं या जो चीज भी होती है, ये सारे वाटर बॉडीज के अंदर ब्राह रास्त जाकर दाखिल होते हैं। हम यहाँ घरों से मतलब जितना भी कूड़ा गंद वगैरह उठाते हैं सीधा माल में ला के फेंक देते हैं। ये माल हमारे पास क्या है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, ठीक है। अब इसी मतलब रनिंग वाटर को छोड़कर साइड में कुछ ऐसे तालाब बने होते हैं, जोहड़ बने होते हैं, जिनमें वो मतलब वो जो गंदगी है, प्लूटेंट्स है, वो वहां पे जब उसमें से केमिकल्स रिलीज होते हैं तो वो ऊपर एक ब्लैंकेट की सी जो है वो लेयर बना देते हैं, ग्रीन जो लेयर होती है, ठीक है, उसको एल्गल ब्लूम कहते हैं, यानी वो एल्जी की ग्रीन ग्रीन आपने देखी भी होगी। तो जब इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है और नीचे वाली लाइफ है इस इकोसिस्टम के ऊपर, ये तो कवर बन गया है ना इस तालाब के ऊपर, जोहड़ के ऊपर, तो नीचे जितनी भी लाइफ है, ठीक है, अब इसके लिए क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है, इसके लिए न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, इसके लिए मतलब लाइफ सस्टेन करना मुश्किल हो रही है। ये जो इसका इफेक्ट है, ये जो एक्सेसिव मेटल्स हैं या केमिकल्स हैं, ये जो जाकर उसके ऊपर उनका एकोमोडेशन हो रहा है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, यूट्रोफिकेशन कहलाता है। फिर फर्टिलाइजर्स, मुख्तलिफ जो फील्ड में हम फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में, तो ये रेन वाटर के साथ सारे वॉश आउट करते हैं और ये किस में चले जाते हैं, पानी के तालाब है, जोड़ है, चश्मा है, नदी है, नाला है, ये सारे उसमें चले जाते हैं। तो ये जितने भी इनके अंदर से हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं वो एक्वाटिक लाइफ क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। फिर इस तरह से प्लूटेंट्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के, कुछ हम गार्बेज घरों से उठा के ले जाते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज में से आता है, कुछ मतलब व्हीकल्स में से आता है, मतलब इस तरह मुख्तलिफ सोर्सेज हैं। तो ये सारे के सारे इसमें एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर जो जाते हैं, तो यहाँ पर जितने भी एक्वाटिक लाइफ है उस सारे को क्या करता है, ब्राह रास्त हार्म करता है या इफेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एसिड प्रोडक्शन। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में मुख्तलिफ प्रोसेसेस होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स जलते हैं, एसिड प्रोडक्शन होती है, तो वो सारे के सारे भी देखे ना मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में से चिमनी जो है उसका वो मतलब ब्राह रास्त उसको जो है वो मतलब किसी दरिया में, किसी समुद्र में, किसी नहर में डाल दिया जाता है, या पाइप वगैरह इस तरह से उनके मतलब सीवेज के लिए उसको ब्राह रास्त किसी वाटर बॉडी में डाल दिया जाता है। तो जो फ्रेश वाटर लेक्स होती हैं या फ्रेश वाटर बॉडीज होती हैं उनमें रनिंग वाटर होता है, ऑल टाइम चलता है, तो वो न सिर्फ
उसमें मौजूद लाइफ को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि वो अपने से बड़ी जिस वाटर बॉडी में जाके गिरती ही है उसके अंदर की जो है वो इफेक्ट उसके साथ ले जाती है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वहां पर भी हार्म करती है या एडवर्सली इफेक्ट करती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो मुख्तलिफ किस्म की जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रीज है, उसमें मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्शन होती है, मुख्तलिफ किस्म की चीजें बनती हैं। तो ये सारी मतलब उसमें जो एक्स्ट्रा चीजें जो बचती हैं, जो रेसिड्यूज होते हैं या जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भी सारे के सारे जो है उनको वाटर बॉडीज के अंदर खुले आम जो है वो पाइप छोड़ दिए जाते हैं। तो वो सारे केमिकल्स सारे हार्मफुल इफेक्ट्स अपने साथ लेके जाते हैं और जिस भी वाटर बॉडी के अंदर वो गिरेंगे उसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। अंदर मौजूद जो भी लाइफ है, यानी वो प्लांट्स है या एनिमल्स है, जिस किस्म की भी लाइफ है उसको वो क्या करते हैं इफेक्ट करते हैं। उसके अलावा जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं उनको भी इफेक्ट करते हैं वो, और फिर वो उनका इफेक्ट ये होता है कि वो उसके अंदर या अब्जॉर्ब हो जाते हैं या वहां पर मिलकर कुछ इस तरह के मतलब क्या कहते हैं उनको प्रोडक्ट्स बना लेंगे। फिर जब उनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज करना चाहेंगे या यूज करेंगे या उसके ऊपर फीड करेंगे तो वो उनके लिए नुकसान देगा। ये हमारा आज का लेक्चर था यहाँ तक। ये अगर इंटरवेंशन ऑफ मेल तक ये यहाँ आपका टॉपिक पूरा हो रहा है, तो यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला हो, कोई चीज समझ ना आए, तो आप मतलब बुक में ज्यादा डिटेल में भी लिखा हुआ है, ज्यादा मतलब एडवांस किस्म के वर्ड्स भी इस्तेमाल हुए हैं, मैंने आपके लिए मुख्तसर तरीन और शॉर्ट जो है वो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो फिर भी अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी लफ्ज का मतलब ना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और किसी टर्मिनोलॉजी की समझ आए वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।